Hey guys, welcome back to my channel. And the first topic from unit 2 is linking business strategy and HR strategy. तो कौन सी ऐसी business strategy और HR strategies हैं जो आपस में मिलके बहुत अच्छा effective result देती है. तो इसके अंदर कुछ approaches आती हैं. तो first आती है हमारी best fit approach. बेस्ट फिट अप्रोच क्या होती है? इट फोकसेस ऑन लिंकेज ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी विद ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी. दिस अप्रोच मेक श्योर दैट एचआर स्ट्रैटेजी आर सूटेबल टू द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. बेस्ट फिट अप्रोच क्या कहता है कि हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से सूटेबल होनी चाहिए. तो मतलब कि बेस्ट फिट अप्रोच मतलब जो बेस्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब इसके कुछ बेसिस होते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग एचआर स्ट्रैटेजीज. सबसे पहले आता है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज. एचआर स्ट्रैटेजी में हमारी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनमें से हमें चूज करना पड़ता है. स्टेजेस इन द बिजनेस और प्रोडक्ट साइकिल. हेयर द एचआर प्रैक्टिसेस दैट फॉलो आर डिफरेंट एट लेवल इन लाइफ साइकिल. इसका मतलब यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल होती है उसके कई सारे चार स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. लेकिन जब हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो हमारे आते हैं ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो इन तीनों फेजेस में, इन तीनों स्टेज पे जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. जैसे ग्रोथ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हमें लोग रिक्रूट करने हैं. मैच्योरिटी पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हमें उनको फैसिलिटेट करना है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है या कुछ भी रीजन हमें मतलब उनको फैसिलिटेट करना है बेसिकली. और डिक्लाइन पे क्या होता है, हम उनको रिडक्शन करते हैं, मतलब कि कंपनी से या तो हम उनको निकालते हैं या फिर हम वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम भी लॉन्च कर देते हैं. मतलब कि एक तरह से कंपनी से हम रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमें लॉस ना हो. नेक्स्ट आता है टाइप्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट. कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास. द फोकस इज ऑन क्रॉस फंक्शनल एंड नॉन क्रॉस बिजनेस लाइक वेरिएशन इन प्रोडक्ट. अगर हम वेरिएशन प्रोडक्ट में वेरिएशन कर रहे हैं या फिर क्रॉस बिजनेस लेके आ रहे हैं, क्रॉस फंक्शनल आ रहे हैं, तो सबकी स्ट्रैटेजी उनके अकॉर्डिंग होगी. अब आता है हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी और एचआर स्ट्रैटेजी के क्या फीचर्स होते हैं. तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के क्या फीचर्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म फोकस होता है, हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी. इसमें कंसर्न किया जाता है क्वालिटी पे. बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ये, क्रिएटिव जॉब बिहेवियर, ये जॉब बिहेवियर क्रिएट करता है. एचआर स्ट्रैटेजी के क्या फीचर्स होते हैं, ये सबसे पहले ये एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, एक तरह से ट्रेनिंग होती है जो प्रोवाइड की जाती है एचआर को, मतलब कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनको. लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखी जाती है इसमें, उनके बेस पे ही उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. हाई एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन चाहिए होता है इसमें और इक्वल पे दी जाती है. एचआर स्ट्रैटेजी का मेन फोकस ये होता है कि सबको इक्वल और उनके स्किल और वर्क के अकॉर्डिंग ही उनको पे की जाए. अब कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं जो हमारे फिटबिट अप्रोच थी उसके, वो क्या होते हैं, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम मोर कॉम्पिटेटिव. ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देने में और हेल्प्स इन अप्लाइंग सपोर्टिव एचआर प्रैक्टिसेस और हेल्प करता है सपोर्टिव एचआर प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके रखने में. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस. हमारा स्ट्रैटेजिक प्रोसेस डाइवर्सिफाई हो जाता है क्योंकि हम समझ नहीं आता कि हम बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज़ करें या एचआर स्ट्रैटेजी यूज़ करें, तो हम डाइवर्सिफाई हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस. प्रोसेस को बनाने में, फॉर्मुलेट करने में एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, हमें ईजी नहीं हो पाता है हम प्रोसेस को किस तरह से बनाएं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एचआर बंडल अप्रोच. एचआर बंडल अप्रोच क्या कहता है, बंडलिंग इज द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वल एचआर प्रैक्टिसेस टुगेदर. मतलब जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं उनको टुगेदरली मतलब एक तरह से इकट्ठा करना और उनके थ्रू एक म्यूचुअल सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट आंसर निकालना. इट मीन्स कि सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया और फिर उनको इम्प्लीमेंट में लाया. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे पहले होता है डिफ़िकल्ट इन कम्बाइनिंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस. सारी प्रैक्टिसेस को एक साथ कंबाइन करना डिफ़िकल्ट होता है. और क्या होता है इसके ड्रॉबैक, कॉम्प्लेक्सिटी इन अचीविंग इंटरनल फिट एंड डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग विच बंडल आर लाइकली. अब हमने बहुत सारे एक साथ बंडल्स एक बना दिया, स्ट्रैटेजीज को एक साथ इकट्ठा कर दिया, तो अब हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है इसके अंदर वो मेन क्या आता है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी सिचुएशन के अंदर हम कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करें. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच. बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच क्या कहता है,
दिस प्रैक्टिस कुड बी सोर्स फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी. मतलब कि अगर सपोज हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ किया और वो उसमें सक्सीड हुआ है, तो उनको देख के उन स्ट्रैटेजी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच. दिस अप्रोच सिक्युलेट दैट देयर इज अ एग्जैक्ट सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट दैट हेल्प टू इंक्रीज परफॉर्मेंस. क्योंकि ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच होती है, हम किसी को देख के करते हैं, देख के सीखते हैं, तो हमें पता होता है कि कितनी ह्यूमन रिसोर्स हमें अप्लाई करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगा. इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? बेस्ट रेफरेंस टू SHRM. SHRM के लिए एक रेफरेंस होता है, बिल्ड डिज़ायर बिहेवियर. एक डिज़ायर बिहेवियर बिल्ड करता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को भी एक रिवॉर्ड सिस्टम मिलने की चांसेस होती है कि हाँ हमें रिवॉर्ड मिलेगा अगर हम अच्छा करेंगे. तो बिल्ड इनोवेटिव कल्चर, एक इनोवेटिव कल्चर बिल्ड करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उनको नया ट्राई करने का मौका मिलता है. उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? डिफरेंट रिजल्ट अकर टू अदर फॉलोअर्स. ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रैक्टिस किसी और ने यूज़ किया, अगर उसको सेम को हम करेंगे तो हमें भी सेम रिजल्ट मिले. तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें सेम रिजल्ट मिले, हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल सकता है. तो इसके चांसेस होते हैं. लैक ऑफ अडेप्टेशन होता है, क्योंकि हम प्रॉपरली वही चीज़ थोड़ी अडप्ट कर पाते हैं जो उन लोगों ने करी है. हो सकता है हम कुछ चेंजेस कर दें या फिर हो सकता है हम कुछ चीज़ भूल जाए. उसके बाद डिसकनेक्टेड फ्रॉम द फॉर्म गोल, क्योंकि हम ब्लाइंडली किसी और प्रैक्टिस, किसी और अप्रोच पर ट्रस्ट कर लेते हैं, इसलिए हम अपने फॉर्म के गोल से भी भटक सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, सस्टेन्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्रू इमिटेट द HR प्रैक्टिसेस. सबसे पहले कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? दिस कैन बी गेन बाय ऑफरिंग क्लाइंट बेटर एंड ग्रेटर वैल्यू. अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज दैट एट्रीब्यूट दैट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आउटफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर. मतलब कि अपने कॉम्पिटिशन से अगर हम अच्छा अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होते हैं? देर आर कंपनी असेट्स. ये कंपनी की असेट्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एबिलिटी होती हैं, जिनको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता हमसे, जो हमारी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस को पोजिशन बनाने में और कॉम्पिटिटर के एक एडवांटेज देने में हेल्प करती है. क्या क्या होती हैं ये? हायर प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस. इसमें क्या होता है, हमें प्रोफेशनल को, अगर हम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो वो हमारे लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा. गिव HR लीडरशिप पोजीशन, अगर हम अपने HR को लीडरशिप पोजीशन देंगे तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज होगा. लेट HR डिटरमाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम. HR एज एन एसेट, अगर हम HR को एज एन एसेट लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा. सेटिस्फाई HR नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, अगर हम HR की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमारे लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड HRP. HRP होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होता है? बिजनेस स्ट्रैटेजी डायरेक्टली अफेक्ट HR स्ट्रैटेजी एंड एक्टिविटीज़. ईच बिजनेस स्ट्रैटेजी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ HR स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू मैनेज पीपल. ये बिजनेस स्ट्रैटेजी हमारा HRP से लिंक्ड है इस टॉपिक में. क्यों? क्योंकि बिजनेस स्ट्रैटेजी के थ्रू उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रिक्वायर होती हैं जो हमारी HRP में होती है, मतलब कि जो हमारी HRP के थ्रू ही होती है. HRP क्या होता है हमारा? राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम. अब कुछ रिलेशनशिप होती हैं इन दोनों की. कुछ ऐसी HR बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हमारी HRP से लिंक्ड होती हैं. वो क्या होती है? सबसे पहले हमारी कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या कहती है? कि अगर हम किसी को लो प्राइस एंड हाई क्वांटिटी दे रहे हैं, दिस स्ट्रैटेजी रिक्वायर द फर्म डेवलप इट्स ओन एम्प्लॉय विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स. यहाँ पे एम्प्लॉय की स्पेशलाइज स्किल आती है हमारी एम्प्लॉयज़ की HRP के अंडर. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कहती है अ फॉर्म विद द स्ट्रैटेजी इज रिस्पॉन्सिव टू मार्केट चेंजेस. मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैसे HRP से उसको लिंक कर सकते हैं. अब जब हमारी कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी आई, मतलब कि हमारे मार्केट में अगर कोई रिस्पॉन्स या चेंज आया, तो यहाँ पे क्या होता है? हेयर द फर्म यूज एक्सटर्नल सोर्सेज फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अदर सोर्सेज का यूज़ करती है, मतलब कि अदर HRP का यूज़ करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करने के लिए. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेकेंड. वन टॉपिक इज लेफ्ट फ्रॉम द यूनिट विच आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.